सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। दोनों वाच टावरों पर जो मशीन गन्नों के मोर्चे थे, फायरिंग की आवाज़ें सुनकर वो भी चौकस हो गए थे और समझ गए थे कि पीछे कुछ गड़बड़ हो गई है। चनानचे उन्होंने भी मशीन गन्नों के ब्रस्ट फायर करने शुरू कर दिए। गोलियाँ दरख्तों की टहनियों से टकराती और उन्हें चीरती हुई नीचे गिरने लगीं। शेर खान समझ गया कि मशीन गन पोस्टों से नीचे फायर आ रहा है। सर्च लाइट की रोशनी के दायरे भी तेज़ी से इधर उधर हरकत करने लगे थे, लेकिन कमांडो शेर खान को हर हालत में वहाँ से निकलना था। वो दरख्तों की आड़ लेता जंगल के आखिरी किनारे पर उस जगह आ गया जहाँ एक छोटा टीला था। रोशनियों के दायरे जल्दी जल्दी एक दूसरे के आगे पीछे सामने से गुजर रहे थे। ऊपर से फायरिंग भी हो रही थी। कमांडो शेर खान इस सूरत हाल में जितना अंदाज़ा लगा सकता था उसने अपने जहन में अंदाज़ा लगाया और पेट के बल रेंगता आगे बढ़ा। एक बार जब रोशनी के दायरे दाएं जानिब को जाने के बाद वापस बाएं जानिब को आते हुए उसके सामने से गुजर गए तो शेर खान कोहनियों के बल बड़ी तेज़ी से रेंगता हुआ सर्च लाइट की जद से बाहर निकल गया। चांद गरूब हो चुका था। सामने वीरान मैदान था जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। कमांडो शेर खान ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि अब तक रिसर्च सेंटर की आर्मी सिक्योरिटी कमांडर बटालियन को डॉक्टर प्लाई के कत्ल का इल्म हो चुका होगा और बहुत जल्द फौज इस सारे इलाके की नाकाबंदी कर लेगी। चनानचे वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इस इलाके से निकल जाना चाहता था। वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस जा रहा था। दौड़ते हुए ही उसने मैदान अबूर कर लिया। सामने ज़मीन से ऊंचाई पर रेलवे लाइन गुजरती थी। उसी रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचना था। रेलवे लाइन भी रात की तारीकी में डूबी हुई थी। जंगल की तरफ से फायरिंग की आवाज़ें अब बंद हो गई थीं। फ़ौज के कमांडो दस्ते और इंटेलिजेंस वाले शेर खान और शाहिद अली की तलाश में निकल आए होंगे। वो रेलवे लाइन के साथ साथ काफ़ी तेज़ रफ्तारी से चला जा रहा था। उसकी पनादक का फासला काफ़ी तवील था, तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला था। ये पैदल चलकर या दौड़कर तय नहीं हो सकता था। शेर खान यही सोच रहा था कि अगर वह किसी छोटे मजाफाती स्टेशन तक पहुंच जाए तो हो सकता है उसे कोई गाड़ी मिल जाए जो मजूरा शहर की तरफ जा रही हो। मजूरा शहर के नाम का तलफ़ मदूरा और मदुराई भी किया जा सकता है। हमने मजूरा लिखा है तो अब उसे इसी तरह पुकारेंगे। ये वजाहत मैंने इसलिए ज़रूरी समझी थी कि जो लोग इस शहर से वाकिफ़ हैं कहीं वो मेरे मजूरा लिखने पर एतराज़ न करें। और मैं तो जनूबी हिंदुस्तान के शहर में न सिर्फ कई बार जा चुका हूँ बल्कि मैंने यहाँ के नाग मंदिर भी देखे हैं। दस्ती बम अभी तक शेर खान की जेब में थे। स्टीन गन भी उसके पास थी। ये असला उसे किसी भी जगह पुलिस के हाथों पकड़वा सकता था। शिनान से उससे वक्ती तौर पर निजात हासिल करनी बहुत ज़रूरी थी। एक जगह रेलवे लाइन के साथ सिग्नल का खंभा आ गया। खंभे पर सिग्नल की सुर्ख बत्ती रोशन थी। वहाँ ढलान पर एक जगह ईंटों का ढेर लगा हुआ था। शेर खान को असला छुपाने के लिए वो जगह मौजूद दिखाई थी। उसने जल्दी जल्दी ईंटों को एक जगह से हटाकर अंदर काफ़ी जगह बना ली। उसमें अपनी स्टीन गन और दस्ती बम और फालतू मैगजीन छुपाकर उस पर ईंटें इस तरह रख दीं कि किसी को शक नहीं पड़ सकता था कि इसके अंदर कोई शय छुपाई गई है। सिग्नल के खंभे की निशानी जगह तलाश करने के लिए काफ़ी थी। उसने यही सोचा कि बाद में कुतुबुद्दीन वगैरह अपना कोई आदमी भेजकर वहाँ से असला निकाल कर ले जाएगा। उसके पास सिर्फ कमांडो चाकू ही रह गया था। चूँकि उसकी वर्दी शिकारियों वाली थी इसलिए किसी को उसके चाकू पर एतराज़ नहीं हो सकता था। एक जगह रेलवे फाटक आ गया। वहाँ से एक सड़क रेल की पटरी से उतरकर उस तरफ जाती थी जिस तरफ शहर था। कमांडो इस ख्याल से रेलवे लाइन से उतरकर सड़क पर चल पड़ा कि शायद यह सड़क आगे जाकर शहर को जाने वाली बड़ी सड़क के साथ मिल जाती हो और वहाँ से उसे शहर को जाता कोई ट्रक वगैरह मिल जाए। रात के अंधेरे में रेलवे फाटक वाली सड़क सुनसान पड़ी थी। कुछ दूर तक खेतों और दरख्तों के साथ चलते रहने के बाद उस सड़क ने शेर खान को बड़ी सड़क पर पहुँचा दिया। शेर खान को मालूम था कि शहर की सीमत पर है। ये बड़ी सड़क उसी सीमत को जा रही थी और उस पर बिजली की बत्तियां भी फासले फासले पर रोशन थीं। वो सड़क से थोड़ा हटकर शहर की जानब पैदल ही चलने लगा। शहर की तरफ से एक दो ट्रक आकर गुजर गए। पीछे से भी एक ट्रक आया। शेर खान ने उसे हाथ दिया मगर वो न रुका। फिर एक प्राइवेट गाड़ी आई और वो भी उसके इशारे पर न रुकी और आगे निकल गई। कुछ देर के बाद पीछे से फिर किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी तो शेर खान ने हाथ का इशारा दिया। ये एक ट्रक था जिस पर लकड़ियों के शहतीर लदे हुए थे। खुदा जाने ड्राइवर के जहन में क्या आया कि उसने ट्रक आगे जाकर सड़क के किनारे रोक लिया। कमांडो शेर खान दौड़कर ट्रक के पास गया। उसका ड्राइवर नौजवान तामिल था। उसने तामिल ज़ुबान में ही पूछा, कहाँ जाना है बाबू? शेर खान ने भी तामिल ज़ुबान में जवाब दिया, मजूरा जाना है। ड्राइवर ने कहा, बैठ जाओ। शेर खान ड्राइवर के साथ बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। ड्राइवर ने पूछा, इस वक्त रात को तुम कहाँ से आ रहे हो? कमांडो शेर खान ने कहा,
एक शिकार पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने जंगल में गया था। पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया। ट्रक पर बड़ा भारी बोझ लदा हुआ था। उसकी रफ्तार हल्की थी। उसने मजूरा शहर पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लगा दिए। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। शहर की मार्केटों, शॉपिंग सेंटरों और बुलंद इमारतों पर न्यून साइन की रोशनियाँ जगमगा रही थीं, मगर सड़कें तकरीबन खाली पड़ी थीं। किसी किसी वक्त कोई गाड़ी गुजर जाती थी। ट्रक शहर में दाखिल हो गया था। कमांडो शेरखान एक ख़ास जगह पर उतर गया। वहाँ से वो पैदल ही मजूरा के मुजाहिदों की खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ा। जिस वक्त वो वहाँ पहुँचा, आसमान पर सुबह काजिब की निलाहट जल मिलाने लगी थी। दक्कन का मास्टर सिपाही रशीद अहमद और मजूरा का मास्टर सिपाही मुजाहिद कुतुबुद्दीन दोनों खुफिया ठिकाने पर मौजूद थे और दोनों ही चाय की चैनक और प्यालियाँ सामने रखे जाग रहे थे। कमांडो शेरखान को अकेला आते देखकर रशीद अहमद ने पहला सवाल यही किया, क्या हुआ? कमांडो शेरखान ने बैठते हुए कहा, डॉक्टर प्लाई का किस्सा पाक कर दिया है। गन के 2 ब्रस्ट उसके सीने और पेट पर और 1 ब्रस्ट उसकी खोपड़ी से पार कर दिया था। जिंदाबाद, कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद ने बयक वक्त कहा। लेकिन शाहिद अली कहाँ है? कुतुबुद्दीन ने पूछा। कमांडो शेरखान ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा, मैंने उसे डॉक्टर प्लाई के कमरे की छत से दूसरी तरफ छलांग लगाते देखा था। गार्ड के संतरी फायरिंग करते उसके पीछे ज़रूर भागे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि मुजाहिद शाहिद अली फरार होने में कामयाब हो गया होगा। वो सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन कमांडो शेरखान को मालूम नहीं था कि मुजाहिद शाहिद अली के साथ क्या गुजरी। यह हम आपको बताते हैं। मुजाहिद शाहिद अली ने छत पर से देख लिया था कि शेरखान ने डॉक्टर प्लाई का काम तमाम कर दिया है, लेकिन नाकदासी की चीखों की वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड के संतरियों और फौजी सिपाहियों की जानिब से जो अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी और जिसके जवाब में शेरखान ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद शाहिद अली ने भी ऊपर से शेरखान को तहफ़ मुहैया करने के लिए फायर खोल दिया। सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसको पकड़ने या हिला करने के लिए गोलियां बरसाते उस जीने की तरफ दौड़ पड़े जो छत पर जाता था। अब शाहिद अली के लिए वहाँ से फरार होना लाजमी हो गया था। चुनांचे उसने छत की दूसरी तरफ झाड़ियों में छलांग लगा दी। झाड़ियाँ काफ़ी घनी थीं। वहाँ गिरने से उसे कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। वो झाड़ियों से निकलकर अंधेरे में जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सिपाहियों ने ऊपर से छलांग लगाते देख लिया था। उन्होंने उस पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी। गोलियाँ दरख्तों के पत्तों और शाखों को उड़ाती हुई गुजर रही थीं, लेकिन शाहिद अली उनकी जद से निकल गया। सिमत का उसे अंदाज़ा था। कश्मीर के जंगलों में वो भारतीय फौजियों के खिलाफ इस किस्म के कई मार्के सरंजाम दे चुका था। वो जंगली पौधों और झाड़ियों में से भागता हुआ उस सिमत को जा रहा था जिधर जंगल का किनारा था और जहाँ से वो शेरखान के साथ जंगल में दाखिल हुआ था। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते को पहचानना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसके पीछे फायरिंग के धमाके ज़रूर हो रहे थे, मगर गोलियां उसके ऊपर से ही गुजर रही थीं। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के उस रास्ते पर आ गया जो दरख्तों के नीचे से होता हुआ जंगल की सरहद तक चला गया था। अब वो दौड़ नहीं रहा था, अंधेरे में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे अब फायरिंग की आवाज़ कभी कभी आ जाती थी, लेकिन ये आवाज़ें बहुत दूर रह गई थीं। उसे दूर दरख्तों के तनों के दरमियान रोशनियाँ इधर से उधर गर्दिश करती नज़र आईं। वो समझ गया कि ये जंगल के किनारे वाले वाच टावरों की सर्च लाइटों की रोशनियाँ हैं। उसे इन रोशनियों के दरमियान से गुजरकर जंगल की सरहद को पार करना था। वो मोहतात होकर चलने लगा। रोशनियों के करीब आया तो उसने देखा कि रोशनियाँ बड़ी तेज़ तेज़ गर्दिश कर रही थीं। अचानक फायरिंग के धमाके होने लगे। शाहिद अली वहीं एक दरख्त के पीछे हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। ये फायरिंग वाच टावर की मशीन गन पोस्टों से की जा रही थी। उसको शेरखान का ख्याल आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इस जगह से जंगल अबूर करने की कोशिश कर रहा हो और उसे देखकर सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी हो। उसने इस जगह से जंगल से बाहर निकलने का इरादा तर्क कर दिया और जंगल के दूसरे सिमत की जानिब को चल पड़ा। जंगल के इस इलाके से वो वाकिफ नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वह जंगल से निकल जाने में कामयाब हो जाएगा। आखिर जंगल किसी न किसी जगह जाकर तो ख़त्म ज़रूर होगा। इस बात की उसे खुशी थी कि उनका मिशन नाकाम नहीं रहा था और उन्होंने दुश्मन इस्लाम और दुश्मन पाकिस्तान डॉक्टर प्लाई को मौत के घाट उतार दिया था। जंगल के जिस इलाके में वो दाखिल हुआ था वहाँ खाइयाँ और घाटियाँ बहुत थीं। चुनांचे अंधेरे में उसे फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ रहा था, मगर वो कहीं रुकने की बजाय चलता रहा। उसे उम्मीद थी कि जंगल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कुलाबे तवक्को जंगल के मशरकी किनारे की तरफ पहुँच गया। उसे दरख्तों के दरमियान से बहुत फासले पर 2-3 रोशनियाँ झिलमिलाती नज़र आईं जो किसी सड़क पर लगे हुए खंभे की रोशनियाँ हो सकती थीं। शाहिद अली जल्दी जल्दी चलने लगा। उसका ख्याल था कि खुफिया रिसर्च सेंटर वालों ने इस तरफ कोई वाच टावर नहीं बनाया क्योंकि इस तरफ सर्च लाइट की रोशनी कहीं भी नहीं थी, लेकिन ये उसका ख्याल गलत था। रिसर्च सेंटर वाले इतने अहमक नहीं थे कि जंगल के एक किनारे पर तो उन्होंने ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रखा हो और दूसरा किनारा खुला छोड़ दिया हो। वाच टावर जंगल के इस किनारे पर भी था और सर्च लाइट भी मौजूद थी,
मगर उसे जानबूझकर बुझा दिया गया था। वाच टावर वालों को वायरलेस पर इतला दी जा चुकी थी कि डॉक्टर प्लाई को कश्मीरी मुजाहिदीन ने कत्ल कर दिया है और वह जंगल में फरार हुए हैं और जंगल के इसी इलाके में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। चुनांचे इस इतला के मिलते ही इस इलाके की सर्च लाइट गुल कर दी गई थी। ये कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को पकड़ने के लिए एक ट्रैप था, एक जाल था। वाच टावर की मशीन गन पोस्ट से अंधेरे में भी चीज़ों के धुंधले खाके दिखाने वाली दूरबीन से जंगल के इस किनारे के बाहर निकलने वाले रास्तों की निगरानी हो रही थी। मुजाहिद शाहिद अली इस जाल से बेखबर ये सोचकर कि रास्ता साफ है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। जंगल का ये किनारा जहाँ ख़त्म होता था वहाँ आगे एक मैदान था और हर तरफ खामोशी थी। शाहिद अली इन दरख्तों से बाहर निकल आया और सामने खुले मैदान की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरख्तों से बाहर खुली जगह में आया, उसे मशीन गन पोस्टों के कमांडर ने अपनी दूरबीन में देख लिया। उसने फौरन इशारा किया, एकदम से सर्च लाइटें रोशन हो गईं और उसकी रोशनी में शाहिद अली साफ नज़र आने लगा। शाहिद अली दौड़ पड़ा मगर उसके आगे फौजी पेट्रोल पार्टी के 6 मुसल्ला सिपाही पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। वो एक सेकेंड में बाहर निकल आई। इन सब की स्टेन गनों का रुख शाहिद अली की तरफ था। वह पूरी रोशनी में था। गन फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो, भागने की कोशिश की तो छलनी कर देंगे। मुजाहिद शाहिद अली समझ गया कि वह फंस गया है और अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने स्टेन गन नीचे रख दी और हाथ ऊपर उठा लिए। मशीन गन पोस्ट के कमांडर को रिसर्च सेंटर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर की तरफ से हिदायत मिली थी कि मफरूर कमांडर को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए, अगर वह भागने की कोशिश करे तो बेशक उसे गोली मार दी जाए। ऐसी सूरत में किसी कमांडोज को जिंदा पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है, उससे इसके मिशन और उसके दूसरे साथियों के बारे में पूछगुछ की जा सके और मालूम हासिल की जा सके। मुजाहिद शाहिद अली पकड़ा गया था और जिंदा पकड़ा गया था। फौरन शाहिद अली के दोनों बाजू पीछे से रस्सी से कसकर बांध दिए गए। उसकी तलाशी ली गई तो उसके शिकारी कपड़ों की जेब में से दस्ती बम और कमांडो चाकू भी बरामद हो गया। उसे पूरी तरह हिरासत में लेने के बाद सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही उसे धकेलते हुए लेकर वाच टावर की गन पोस्ट पर ले आए। यहाँ लाकर उन्होंने मुजाहिद शाहिद अली के पाँव में भी इस तरह रस्सी बांध दी कि वो बमुश्किल चल तो सकता था मगर दौड़ नहीं सकता था। उसी वक्त वाच टावर से पीछे जंगल के खुफिया रिसर्च सेंटर में वायरलेस कर दिया गया कि डॉक्टर प्लाई के कातलों में से एक कश्मीरी कमांडो को पकड़ लिया गया है। रिसर्च सेंटर से उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उड़कर जंगल के किनारे मैदान के वाच टावर के सामने आकर उतर गया। इसमें रिसर्च सेंटर के सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर 4 सिपाहियों के साथ बैठा था। उसने वाच टावर को पैगाम दिया कि कश्मीरी कमांडो को हेलीकॉप्टर में लाया जाए। शाहिद अली को वाच टावर से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया और हेलीकॉप्टर उसे लेकर 50 मील के फासले पर मजूरा शहर के फौजी कैंप में आ गया। वहाँ शाहिद अली को क्वार्टर गार्ड में ज़बरदस्त पहरे के साथ बंद कर दिया गया। सुबह होते ही उसे फौजी कमांडोज की हिरासत में एक फौजी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुँचा दिया गया। हैदराबाद के नवाह में 11 मदारिस आर्टिलरी रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था। यहाँ मुजाहिद शाहिद अली को मिलिट्री इंटेलिजेंस की टॉर्चर सेल में लाकर उससे पूछगुछ शुरू हो गई और तशद्दुद का सिलसिला भी शुरू हो गया। उधर जब दूसरे रोज़ भी मुजाहिद शाहिद अली मजोरा के रजाकारों की खुफिया ठिकाने पर न पहुँचा तो कुतुबुद्दीन और मास्टर सिपाही रशीद अहमद और कमांडो शेर खान को फिक्र लग गई। रशीद अहमद कहने लगा, कहीं शाहिद अली शहीद न हो गया हो। शेर खान ने कहा, मैंने उसे डॉक्टर प्लाई के कमरे की छत से दूसरी तरफ छलांग लगाते खुद देखा था। इसके बाद वो अगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़प में शहीद हो गया हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुतुबुद्दीन बोला, इस बारे में पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी। अगर वो शहीद हो गया है तो हम जंगल में से उसकी मैयत उठा लाने की कोशिश करेंगे। शेर खान ने कहा, हो सकता है भारतीय सेंतरियों ने शहीद की मैयत को किसी गहरी खाई या गड्ढे में फेंक दिया हो। कुतुबुद्दीन कहने लगा, तलाश करने में क्या हर्ज है। रशीद अहमद ने कहा, जंगल का वो इलाका बेहद हसास और ख़तरनाक इलाका बन चुका है, वहाँ जो रजाकार जाएगा वो भी पकड़ लिया जाएगा। कुतुबुद्दीन ने बड़ी जरूरतमंदी का इजहार करते हुए कहा, यह काम मैं खुद करूँगा, मैं अपने शहीद साथी की मैयत पूरे एहतराम के साथ सुपुर्द खाक करूँगा। शेर खान और रशीद अहमद खामोश हो गए, वो कुतुबुद्दीन को रोक भी नहीं सकते थे। जब शेर खान ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा तो कुतुबुद्दीन बोला, तुम्हारा चेहरा मोहरा पंजाब के रहने वालों का, तुम खा कितनी महारत से यहाँ की तमिल ज़बान बोलो, तुम्हारा लहजा साफ पहचाना जाता है कि तुम तमिल नहीं हो। मैं बशिंदा हूँ, तमिल मुसलमान हूँ, मैं इस जंगल की एक एक जगह से वाकिफ़ हूँ। मैं जंगल में आदिवासियों के बेस में भी जा सकता हूँ और जंगली देहातियों की ज़ुबान अच्छी तरह से बोल लेता हूँ। बहरहाल ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आज ही अपने मुजाहिद साथी शाहिद अली की तलाश में जाऊँगा। अगर वो शहीद हो गया है तो मैं उसकी मैयत तलाश करने की कोशिश करूँगा। शहीद की मैयत किसी गहरी खाई से या किसी गहरी खड्ड में होगी तो मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। याद रखो, शहीद की मैयत से जन्नत की खुशबू आया करती है। कुतुबुद्दीन के काबिल एहतराम जज्बात के आगे सब ने अपने सर झुका दिए।
अब उसे खुफिया रिसर्च सेंटर के खतरनाक जंगल में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। भारत की वसली और जनूबी इलाके के देहात में आदिवासियों का एक ऐसा कबीला भी आबाद है जिसके मर्द बंदरों का तमाशा दिखाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये जंगल से बंदर पकड़ कर लाते हैं, उन्हें सुधाते हैं और फिर उनका तमाशा दिखाकर लोगों, ख़ास तौर पर बच्चों को खुश करते हैं और लोग उन्हें पैसे, आटा वगैरह देते हैं। दिन के ठीक 1 बजे कुतुबुद्दीन ने अपना हुलिया बंदरों का तमाशा दिखाने वाले आदिवासियों वाला बनाया। एक छोटा बंदर साथ लिया, कपड़े का मैला सा थैला बगल में लटकाया, हाथ में छड़ी पकड़ी और मजूरा से लारी में सवार होकर रिसर्च सेंटर वाले जंगल की तरफ चल पड़ा। ये लारी आगे किसी दूसरे शहर को जाती थी। 50 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जब वो जगह आई जहाँ से रिसर्च सेंटर वाला जंगल शुरू होता था, तो कुतुबुद्दीन लारी से उतर पड़ा और इस मैदान में चलने लगा जिसके दूसरे किनारे पर से जंगल शुरू होता था और जहाँ दोनों जानिब वाच टावर लगे हुए थे। बंदर रस्सी के साथ बंधा कुतुबुद्दीन के साथ साथ चल रहा था। कुतुबुद्दीन के एक हाथ में छोटा सा डमरू था जिसको बजाकर बंदरों वाले तमाशा दिखाते और बंदरों को नचाते हैं, मगर वो डमरू बजा नहीं रहा था। उसने सब कुछ सोच रखा था कि जब कोई फौजी सिपाही उससे पूछगछ करेगा तो वो क्या जवाब देगा। धूप निकली हुई थी, आसमान बिल्कुल साफ था, कुतुबुद्दीन को जंगल सामने नजर आ रहा था। ये जंगल खास तौर पर उसके लिए कोई नई जगह नहीं थी। उसे यह भी इलम था कि सिक्योरिटी फोर्स के वॉच टावर किस तरफ हैं और अगर शाहिद अली के साथ सिक्योरिटी गार्ड के सिपाहियों की झड़प हुई होगी तो वह इन दोनों वॉच टावरों के दरमियान ही हुई होगी, और अगर शाहिद अली शहीद हो गया है तो उसकी लाश भी इसी इलाके में किसी जगह पर मिलेगी। कुतुबुद्दीन वॉच टावरों के दरमियान से गुजरने की बजाय एक वॉच टावर के पहलू से होकर जंगल में दाखिल हो गया। एहतियात के तौर पर कि उस पर कोई शक न करे, उसने जंगल के करीब आते ही डमरू बजाना शुरू कर दिया था और बंदर को अपने कंधे पर उठा लिया था। वॉच टावर की गन पोस्ट से सिपाहियों ने कुतुबुद्दीन को देखा, मगर उसे बंदरों का तमाशा दिखाने वाला समझकर उसकी तरफ तवज्जो न दी। कुतुबुद्दीन को अपने ख़ास आदमी की ज़बानी मालूम हो चुका था कि जंगल में रिसर्च सेंटर किस मुकाम पर है, चनाचे वो उसी तरफ चलने लगा। जंगल के अंदर आकर उसने डमरू बजाना बंद कर दिया था। बंदर अभी तक उसके कंधे पर बैठा हुआ था। वो उससे अपनी आदिवासी बोली में बंदर नचाने वालों की तरह बातें भी करता जा रहा था ताकि आसपास अगर कोई सिपाही मौजूद हो तो उस पर कोई शक न करे और उसे बंदर नचाने वाला ही समझे। चलते चलते वो उस पुराने कब्रिस्तान तक आ गया जिसकी दूसरी जानिब रिसर्च सेंटर की खारदार दीवार और कत्ल होने वाले डॉक्टर प्लाई के कमरे की अकबी दीवार थी। वो ये सोचने के लिए कि अब उसे किस तरफ जाना चाहिए, कब्रिस्तान में एक कब्र के पास बैठ गया। रस्सी से बंधा हुआ बंदर भी उसके साथ दोनों हाथ बगलों में देकर बैठ गया। कुतुबुद्दीन ने थैले में से चने निकालकर बंदर के आगे डाले और उससे बातें शुरू कर दी। इतने में उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, दो फौजी स्टीन गन्ने कंधों से लटकाए उसकी तरफ आ रहे थे। करीब आकर एक फौजी ने तमिल जुबान में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। कुतुबुद्दीन जल्दी से हाथ बांधकर उठ खड़ा हुआ, बड़ी आजिज़ से तमिल देहातियों की बोली में बोला, महाराज मैं राजा बंदर वाला हूँ। दूसरे फौजी ने रोबदार आवाज़ में कहा, वो तो हम भी देख रहे हैं कि तू बंदर वाला है, मगर यहाँ क्या कर रहा है। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज गरीब आदमी हूँ, बाजार से बंदर खरीद नहीं सकता, जंगल में आकर बंदर बंदरियाँ पकड़ता हूँ और उसे सुधाकर बच्चों को तमाशा दिखाता हूँ। इस वक्त भी मैं कोई बंदर बंदरियाँ पकड़ने आया हूँ। दोनों फौजी तमिलनाडु के रहने वाले थे। उन्हें यकीन आ गया कि यह बंदर वाला ही है। वो उसके करीब आ गए और ज़मीन पर बैठे चने खाते बंदर को देखने लगे। एक ने पूछा, क्यों ये बंदर है या बंदरिया। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज ये बंदर है, हनुमान जी के वंश से है, बड़ा भगवान है, जब से मेरे पास आया है लोग बड़ा दानपन करते हैं। दोनों भारतीय फौजी वहाँ पड़े पत्थरों पर बैठ के और बड़ी दिलचस्पी से बंदर को तकने लगे। कुतुबुद्दीन भी बैठ गया। उसने डमरू बजा कर कहा, महाराज बंदर का तमाशा देखेंगे। एक फौजी ने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा, खबरदार यहाँ डमरू मत बजाना। कुतुबुद्दीन ने फौरन डमरू बजाना बंद कर दिया। जो हुक्म महाराज। दूसरे फौजी ने बंदर की तरफ गौर से देखते हुए पूछा, हमने सुना है कि बंदर हनुमान जी के ख़ानदान से होता है, इसके पास बड़ी ज़बरदस्त ताकत होती है। कुतुबुद्दीन फौरन समझ गया कि ताकत से इस फौजी की क्या मुराद है। इन फौजियों पर अपना असर डालने के लिए कुतुबुद्दीन के हाथ एक बड़ा अच्छा नुक्ता आ गया। उसने फौरन कहा, हाँ महाराज इस बंदर में भी बड़ी ज़बरदस्त ताकत है। जब ये मस्ती में आता है तो इसके जिस्म से एक ख़ास बू निकलती है जिसकी बू सूंघकर जंगल की बंदरियाँ दूर दूर से भागकर उसके पास आ जाती हैं। अच्छा, एक फौजी ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। कुतुबुद्दीन ने इन भारतीय फौजियों की दुखती रग पकड़ ली थी। कहने लगा, हाँ महाराज जंगल की सारी बंदरियाँ ख 6 हों ख 10 हों इस बंदर के आगे पीछे फिरने लगती हैं। दूसरे फौजी ने बेताब होकर पूछा, फिर तुम्हारा बंदर क्या करता है।
कुतुबुद्दीन हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज पे मेरा बंदर तमाम बंदरियों से ब्याह रचा लेता है। सब बंदरियों से? पहले फौजी ने हैरान होकर कहा। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज मेरा बंदर हनुमान जी के वंश से है। इसके पास इतनी ताकत है कि दुनिया की सारी बंदरियों को अपनी पत्नी बना सकता है। दूसरे फौजी ने ललचाते हुए लहजे में कहा, दोस्त ये बताओ इसकी ये ताकत हमें नहीं मिल सकती? कुतुबुद्दीन इन भारतीय सिपाहियों को जिस मुकाम पर लाना चाहता था वो इस जगह पर आ गए थे। उसने टालमटोल करने के अंदाज में जवाब दिया, ये बड़ा मुश्किल काम है महाराज। ये बंदर हर माह पहाड़ियों में निकल जाता है और पहाड़ियों की सिद्ध सलाजीत दिखाता है। ये सलाजीत क्या होती है? एक फौजी ने पूछा। कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज ये पहाड़ों की मस्ती होती है। पहाड़ियों में ये ऐसी जगहों पर पत्थरों के साथ चिमटी होती है जहाँ किसी इंसान का गुजर नहीं होता। सिर्फ ये खास बंदर ही उसकी बू सूंघकर उस तक पहुँच जाता है। दूसरे फौजी ने बेचैन होकर कहा, राजा अगर तुम हमें ये सलाजीत ला दो तो हम तुम्हें मुँह मांगे पैसे देंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? कुतुबुद्दीन ने कहा, महाराज यहाँ करीब ही है। इसके फौरन बाद कुतुबुद्दीन ने अपने असल मतलब पर आते हुए बड़ा अनजान बनकर पूछा, महाराज कल रात को इधर बड़ी गोलियां चलने की आवाज़ आई थी, कोई डाकू आ गए थे क्या महाराज? पहले फौजी ने बेनियाजी से कहा, डाकू नहीं, एक दहशतगर्दी आ गया था। कुतुबुद्दीन ने गसूले लहजे में कहा, साले को मार डालना तो वहीं। फौजी ने कहा, अरे बेवकूफ़, आतंकवादी जिंदा हाथ आ जाए तो उसकी गर्दन दबाकर पूछा जाता है कि उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं। इस तरह हम उसके बाकी साथियों को भी पकड़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ने आमकों की तरह गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जी ये तो आपने ठीक कहा, तो क्या आपने इस दहशतगर्द को पकड़ लिया है? क्यों नहीं? दूसरे फौजी ने बड़ी शान से कहा, पकड़ भी लिया और उसे हैदराबाद के फौजी कैंपों में भी पहुँचा दिया। तुम इन बातों को छोड़ो और हमारी बात का जवाब दो, क्या तुम हमें वो सलाजीत ला कर दे सकते हो जो हनुमान जी के बंदर खाते हैं? हम तुम्हें बड़े रुपए देंगे। सारा मंसूबा कुतुबुद्दीन के दिमाग में आ चुका था। उसने कहा, महाराज हमारे कबीले में किसी बाहर के आदमी को हनुमान जी के बंदर की सलाजीत देना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। मैंने आपको सलाजीत दी और कबीले वालों को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों फौजी और ज़्यादा बेताब हो गए। एक ने कहा, राजा हमसे भगवान की शपथ ले लो, हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे। बस तुम हमें हनुमान जी की सलाजीत ला कर दे दो। कहो कब लाओगे? हम तुम्हें 1,000 रुपया देंगे कि हम तुम्हारे गांव आ जाएं। कुतुबुद्दीन ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, ना महाराज ना, ये काम ना करना। मेरे गांव आए तो सबको शक पड़ जाएगा कि राजा से सलाजीत लेने आए हैं। दूसरे फौजी ने कहा, तो फिर तुम कल किसी वक्त सलाजीत लेकर यहाँ आ जाओ, हम 1,000 रुपया लेकर इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। कुतुबुद्दीन ने तरब का पत्ता फेंकते हुए कहा, मगर महाराज हनुमान जी की सलाजीत मेरे भाई के पास है। उसके पास इतनी सलाजीत है कि आप दोनों को सारी उम्र काम आएगी। तो फिर अपने भाई से लेकर आओ या हमें उसके पास ले चलो। फौजी ने कहा। कुतुबुद्दीन बोला, महाराज मेरा भाई हैदराबाद में रहता है, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आप वहाँ पहुँच जाएं। मैं आपको अपने भाई से सलाजीत ला कर दे दूँगा। अकेले आप जाएंगे तो वो आपसे बात भी नहीं करेगा। पहला फौजी बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने की। मेरा एक दोस्त हैदराबाद में आर्टलरी रेजिमेंट का हवालदार है, उसका नाम हवालदार राम जी है। वो मेरा बचपन का यार है, मैं उसके नाम पर्चा लेकर तुम्हें दे देता हूँ। तुम उसे सलाजीत दे देना, वो तुम्हें 1,000 रुपये दे देगा। मगर याद रखना, अगर नकली सलाजीत दी तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। कुतुबुद्दीन का काम ऐन उसके मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। उसने कहा, महाराज हम हनुमान जी की भगत हैं, उनके नाम की चीज़ नकली दी तो हमें उनका श्राप लगेगा। आप पर पर्चा लिख दें, मैं हैदराबाद जाकर आपके दोस्त हवालदार राम जी से मिल लूँगा। पहले फौजी ने कहा, मेरा नाम लांस नायक भगत राम है, याद रखना। लांस नायक भगत राम ने जेब से पैकेट बुक निकाली, पेंसिल उसके साथ ही लगी हुई थी। भगत राम ने एक रुका लिखकर कुतुबुद्दीन के हवाले किया और पूछा, तुम पढ़ लेते हो? कुतुबुद्दीन ने हंस कर कहा, नहीं महाराज हम तो अनपढ़ हैं। लांस नायक भगत राम ने कहा, पर्चे पर मैंने अपने दोस्त हवालदार राम जी का पता लिख दिया है, मैं तुम्हें समझा भी देता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। भगत राम ने कुतुबुद्दीन को हैदराबाद में अपने दोस्त हवालदार राम जी के क्वार्टर का पूरा पता समझाया और कहा, मैं तुम्हें हैदराबाद आने जाने का रेल का किराया भी दे देता हूँ, तुम आज ही हैदराबाद चले जाओ। सलाजीत का इन दोनों भारतीय सिपाहियों पर कुछ ऐसा नशा चढ़ गया था कि उन्होंने ये भी ना सोचा कि यह बंदर वाला मदारी कहीं उनके पैसे लेकर भाग ना जाए। राम ने कुतुबुद्दीन को 40 रुपये बटुए से निकाल कर दिए और कहने लगा, याद रखो राजा, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम जहाँ भी जाओगे हम तुम्हें तलाश कर लेंगे और फिर क्वार्टर गार्ड में बंद कर देंगे। कुतुबुद्दीन ने हाथ जोड़ कर कहा, नहीं महाराज नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आज ही हैदराबाद जाकर आपके दोस्त को यह पर्चा पहुँचा देंगे। पहले फौजी ने कहा, बस अब जाओ, इस तरफ से बाहर निकलना।
कुतुबुद्दीन ने बंदर को कंधे पर बिठाया और राम राम कहकर जिस तरफ फौजी ने उसे कहा था उस तरफ चल दिया। उसे यहाँ आने की वजह से दो कामयाबियाँ हासिल हो गई थीं। पहली कामयाबी ये हुई थी कि उसे ये पता चल गया था कि मुजाहिद शाहिद अली शहीद नहीं हुआ बल्कि पकड़ा गया था और फौजी उसे हैदराबाद फौजी कैंप में ले गए हैं। दूसरी कामयाबी ये हासिल हुई थी कि उसे हैदराबाद के भारतीय फौजी कैंप के बारे में मालूमात हासिल करने का जरिया हाथ आ गया था। ये जरिया हैदराबाद में मुकीम आर्टलरी रेजिमेंट के हवालदार रामजी था, जिसे कुतुबुद्दीन ने मिलना था और उसे लांस नाइक भगत राम का खत पहुँचाना था। यह खत तमिल जुबान में लिखा हुआ था। कुतुबुद्दीन ने उसे पढ़ लिया था। इसमें हवालदार रामजी को ताकीद की गई थी कि मदारी राजा का भाई तुम्हें जो शिलाजीत देगा उसे अच्छी तरह से परखना, अगर वो असली हुई तो मदारी राजा को 1000 रुपये दे देना।